हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखो, हमारे पास एक हायर का एलईडी टीवी 32 इंची है और ये इसका मॉडल नंबर भी दिखाई दे रहा है इस पे। और दोस्तों, ये हमने खोल के रखा हुआ है क्योंकि मैंने पहले इसको सेट कर दिया था, चालू कर दिया था सेट को। इसमें एक मॉड्यूल लगाया था, मगर मॉड्यूल लगाने के बाद में फिर मुझे पता लगा कि इसमें और भी फॉल्ट है, तो मैंने सोचा कि इसमें एक वीडियो इसके ऊपर और बना लूँ, इसलिए फिर मुझे डालने के लिए सोचना पड़ा, तो फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आपको हमारी वीडियो मिल सके दोस्तों। और दोस्तों, मैं अब इसे देखो, इसे पहले एक बार चला के और देखते हैं, इसे चालू करेंगे, इसे ऑन करेंगे इसे, तो मैं अभी इसे सप्लाई देने जाऊंगा। मैंने इसको इसमें ये अलग से की लगाई है, ये की इसकी अलग निकाल के अलग से लगाई है इसमें ये, तो मैंने देखो इसमें रेड लाइट आ चुकी है दोस्तों। और रेड लाइट आने के बाद में अब इसे ऑन करना पड़ेगा की से, क्योंकि रिमोट है नहीं मेरे पास दोस्तों। और देखो, स्टैंड बाई में सेट चला गया है। और मैं अभी इसे दिखाऊंगा आपको कि देखो, इसमें इसके जो पैनल है इसका, तो उस पर आपको दिखाई देगा कि इसमें क्या फॉल्ट है। अब इसे मैं ऊपर उठा के देखूंगा दोस्तों, पहले इसे संभाल के रख देता हूँ क्यों कहीं दूसरी जगह टच नहीं हो जाए, टच हो जाएगी तो इसे। और एक बार वोल्टेज और चेक कर लेता हूँ, वैसे वोल्टेज चेक करने में कोई नहीं है, थोड़ा सा कि वोल्टेज हमारे BGL BGH ये सारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। 12 वोल्ट, देखो 12 वोल्ट सप्लाई के हमारे ओके हैं। और पैनल के वोल्टेज और चेक कर लेते हैं, देखो पैनल के भी वोल्टेज हमारे ओके हैं। और इधर पैनल पे यहाँ भी वोल्टेज देख लेते हैं, देखो यहाँ भी हमारे वोल्टेज, तो हमारा ये वर्क कर रहा है ये जो। और दोस्तों देखो, अब हम इसे चेक करेंगे, चेक करने के बाद में पहले मैं इस मल्टीमीटर को साइड में रख देता हूँ, अलग रख देता हूँ क्योंकि गिर जाए रात में दिक्कत हो जाए। तो दोस्तों देखो, अभी देखो दिखाई दे रहा है आपको, देखो इधर दिखाई दे रहा है आपको, पिक्चर आधी पिक्चर आ रही है इस पर, दिखाई दे रही है आपको आधी पिक्चर इस पर आ रही है, इमेज भी दिखाई दे रही है, नो सिग्नल लिखा हुआ आता है वो भी दिखाई दे रहा है। और मैंने इसमें तो इस पर पिक्चर आधे में बन रही है, तो अब इसमें तो पता है कि इसमें साइड कॉफ फेल है इसकी, तो या तो कहीं से हमारा जो प्रिंट कहीं से शॉर्टिंग होने की वजह से जल गया है, या फिर कॉफ छोड़ गई है, या कुछ ना कुछ तो है इसमें। तो इस पर वोल्टेज हमारे नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो BGH वोल्टेज हैं वो इस पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो इसकी वजह से ये दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो नीचे जो दिखाई दे रहा है स्लो मोशन, तो मैं अब इसे देखो, अब एक बार आपको और दिखा देता हूँ कि यहाँ तो हमारे वोल्टेज, वहाँ जब पिक्चर आ रही है तो यहाँ वोल्टेज तो हमारे सही मिलेंगे, देखो ये वोल्टेज हमारे सही मिलेंगे, ये वोल्टेज आपको दिखाई देंगे, देखो माइनस वाले ये वोल्टेज हैं, यहाँ -3.3 वोल्ट हैं ये, और ये -6 वोल्ट है, तो हमारे ये 33 वोल्ट और 23 वोल्ट के आसपास BGL सप्लाई जो पैनल के लिए जाती है वो हमारी है, तो ये वोल्टेज तो हमारे ओके हैं दोस्तों। तो अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ जो 33 वोल्ट दिखाई दे रहे थे वो भी दिखाई दे रहे थे अभी, तो वो तो जो मेन सप्लाई आती है BGH वाली, और जो पैनल के लिए वोल्टेज कम होके जाते हैं वो वोल्टेज 23 वोल्ट हैं, ये ABDD है, ये भी वोल्टेज होके ही है हमारे, ये भी वोल्टेज होके हैं दोस्तों। और यहाँ देखो, ये हमारी ABDD पैनल पे भी पहुंच रही है, इसमें हमें अब कोई यहाँ कुछ नहीं करना है दोस्तों,
केवल हमें देखना है, करना है जो भी, तो हमें करना है केवल अब इस पैनल को खोलने पर पता लगेगा कि यहाँ जल गया है कि क्या हो गया है, उसको देख के जब ही पता लगेगा शार्ट कॉप में क्या हुआ है। देखो शार्ट कॉप हमने इसे देख रहे हैं, देखो दिखाई दे रहा है आपको माइक्रोस्कोप की सहायता से, मगर नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि इसमें जो पैनल लगा हुआ है वो आगे का जो हटाने के बाद में ही दिखाई दे रही थी, मगर इससे शार्ट में नहीं दिखाई दे रही है। इधर देखो वो बारीकी से इधर दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो इधर दिखाई दे रही है। तो मैं इस पर अभी वोल्टेज नाप के देखूँ, देखो यहाँ वोल्टेज ये BGH वाला ही है ये, तो मैं ये वोल्टेज चेक करूँगा कि वोल्टेज यहाँ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ये BGH वाला ही है, ये टेस्ट पॉइंट है, ये देखो इस पर ये वोल्टेज है, मगर आने चाहिए यहाँ 23 वोल्ट, ये वोल्टेज 23 वोल्ट नहीं आ रहे हैं, इसी के चलते ये पिक्चर नहीं बन रही है हमारी। पर ये वोल्टेज आ जाएंगे दोस्तों, तो हमें इस पर क्या करना होगा, ये बाईपास करना है ये, तो बाईपास के लिए हमें एक जम्पर लगाना होगा। तो पहले में हम इस पॉइंट टॉप है थोड़ा थोड़ा सा पहले शोल्डिंग करेंगे, और शोल्डिंग करने के बाद में फिर हम इसे जम्पर मारेंगे। देखो यहाँ देखो इस जगह पर देखो लगा चुके दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा, एक इधर कॉफ है और एक इधर है, ये दिखाई दे रहा है देखो दोनों साइड में, ये हमने जम्पर लगाया है, देखो इधर दिखाई दे रहा है ये जम्पर, यहाँ से यहाँ एक जम्पर लगाया है दोस्तों इधर। और जम्पर लगाने के बाद में अब देखेंगे कि पिक्चर इसमें कैसे क्या कर रही है, बनेगी नहीं बनेगी या कोई और फॉल्ट है, तो इसे देखते हैं दोस्तों। देखो सेट ऑन हो चुका है, सेट ऑन होने के बाद में इस पर पिक्चर देखो क्या कहती है, देखो देखो पिक्चर भी बन गई और हायर लिखे आ गया। और दोस्तों ये पिक्चर देखो आपको दिखाई दे रही है, पिक्चर भी हमारी ओके हो चुकी है दोस्तों।